जंतर मंतर पर हाल ही में हुई एक अजीबोगरीब घटना ने सबको हैरानी में डाल दिया। जंतर मंतर रोड के किनारे बनी दीवार को एक युवक अनोखे तरीके से उसे तिरंगे रंग में रंगता हुआ दिखाई दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि इस युवक ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी हुई थी। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने होने के कारण यह सहज ही वहां पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब स्पाइडरमैन बने इस युवक से इस तरह से दीवार को पेंट करने का कारण पूछा गया तो वह भी इस युवक ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताया और कहा कि बचपन से ही वह स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। जिस तरह से स्पाइडरमैन सबकी मदद करता है, सबके काम पूरे करता है, उसी तरह से इसने भी सबकी मदद करने के साथ ही देश को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया है। और इसी कड़ी में इसने यहाँ इस दीवार को तिरंगा रंग में रंगने का काम शुरू किया। क्योंकि ये एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को एक बच्चे से लेके और एक बूढ़े तक की पहचान है। लोगों के नोटबुक हो चाहे मूवीज हो, उनमें देखते हैं इसको। एवेंजर्स की टीम भी है उसकी, वो उसमें भी था। अभी इंडिया आया है, वहां पर तो उसका रोल हो गया था खत्म। जैसे ही वो इंडिया आया उसका पूरा पावर जो थे वो सब खत्म हो गए। हमने ये इस मुहिम को 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया था। हमने साउथ कैंपस के अंदर सबसे पहले एक कपड़े पर तिरंगा पेंट करके 60x9 फीट का था वो शायद, उसको लगाया। उसके बाद मेरठ से भी हमने इसको स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने अपने कॉलेज ASPG कॉलेज भवाना, उसकी जो दीवारें हैं वहाँ से इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद अपने शहर में भी, फिर नॉर्थ कैंपस में और आज आपके सामने। अब ये एक मुहिम है, रंग दे तिरंगा मेरी जान, बन जाओ भारत की शान। जो लावारिस दीवारें लोगों ने थूक करके या स्टिकर चिपका करके, जो पोस्टर्स चिपका करके जिन दीवारों को बेकार कर रखा है, अब हमने इसको बर्थडे के साथ में भी इंक्लूड किया था। स्पाइडरमैन नामक बने इस युवक का नाम विशांत शर्मा है। विशांत शर्मा पेशे से कलाकार है। इसने दिल्ली के साउथ कैंपस CP और अब जंतर मंतर की दीवारों को रंगने का काम पूरा कर दिया है। विशांत ने सभी जगह तिरंगा बनाया है। इस काम में उसका साथ कई लोग दे रहे हैं। उनका कहना है कि देश को साफ सुथरा रखना और देश के हर काम में मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में इन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे भी देश को साफ सुथरा रखने में पूरी पूरी मदद करें। जो स्वच्छ भारत सुंदर भारत जो मुहिम है पूरा देश में, उसको साकार करने के लिए हम बाबा प्राइवेट लिमिटेड ओर से और दिव्यांग उन्होंने से पूरा देश में और पूरा दिल्ली में उसको कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हो ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हमने शुरुआती करे रखे। दिल्ली में कई जगह में ऐसे है जो कि दिव्यांग सेना बाबा प्राइवेट लिमिटेड ने इसको साकार कर रहे हैं। मैं मैसेज देना चाहूँगा जब हम दिव्यांग होगी सफाई कर सकते हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत कर सकते हैं, तो देशवासी सब मिल के हमारे भारत को इतना सुंदर बनाए कि जो विदेश में आते हैं उनको एक ऐसे संदेश जाए कि हिंदुस्तान सिर्फ गरीब देश नहीं सुना का चिड़िया है और सुंदर भी है। देखिए सर, जो तिरंगा होती है हमारे देश की शान होती है और इसलिए हम पेंट कर रहे हैं दीवार पर। जो तिरंगा देखो कोई गंद नहीं करेगा, कोई थूकेंगे नहीं, कोई बाथरूम नहीं जाएंगे। जैसे भगवान मूर्ति को, किसी मूर्ति को इज्जत करते, तिरंगा हमारे देश की शान है और इसी शान को रखने के लिए यहाँ पर हम तिरंगा पेंट कर रहे हैं जी। ये तो मैं देखते हुए 20-25 साल हो गई है, ऐसे ही पड़ा था, लेकिन आप देख लिए कितना सुंदर लग रही है। और जो भी आते हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करिए, इस मूवी में वो भी शामिल होने के लिए हम अपील करेंगे और पूरा दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए मैं पूरा दिल्ली वासियों को अपील करता हूँ। आपको बता दें कि आज जिस दीवार को इन्होंने रंगा है वो दीवार पिछले 1 दशक से रंग के लिए तरस रही थी और इस दीवार के नीचे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के धरने हो चुके हैं और यह दीवार तिरंगे में रंग में रंगने के कारण अब बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है और साफ सुथरी भी। विशांत शर्मा की पहल तो अच्छी है, क्यों ना हम सभी विशांत शर्मा से थोड़ा सा सबक लेकर अपने आप ही देश को साफ सुथरा रखें और देश की प्रगति में थोड़ा सा योगदान दें
और देश के एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका निभा सकें। भारत चौहान, दिल्ली।